बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है। एक बार फिर नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को कुल 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं ये चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम ने बिहार में 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें से सीमांचल की 5 सीटों पर परचम लहराया है। 5 प्रत्याशियों की जीत से एआईएमआईएम ने बिहार की राजनीति में एंट्री दे दी है। जानिए कौन है वो 5 प्रत्याशी जिन्होंने एआईएमआईएम का परचम लहराया है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुजन समाज पार्टी और आरएलएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। न्यूज डेस्क।